हेलो स्टूडेंट, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 12 नागरिक शास्त्र जो कि कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि आसियान की प्रमुख संस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि आसियान के कार्य, भूमिका और एवं उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आसियान एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। आसियान क्या है? एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। इसके कार्य और भूमिका के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो आसियान जो है ये टकराव की जगह बातचीत को अपना मोहरा बनाता है, यानी कि ये टकराव को छोड़कर ये अपने बातचीत के माध्यम से ही क्षेत्रीय समझौते कराने का प्रयास करता है। ऐसा हमने बताया था कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया का भी जो विवाद था उसको भी आसियान के सदस्यों ने क्या किया था, बातचीत के माध्यम से हल कराया था। देखिए, इसका सामाजिक या मुक्त व्यापार क्षेत्र या सुरक्षा का क्षेत्र भी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरी चीज, 1999 ईस्वी से ये क्या करता है कि नियमित बैठकें कर रहा है, प्रतिवर्ष बैठकें कर रहा है। और सन 2018 ईस्वी को इसने सिंगापुर में एक बैठक किया जिसको शिखर आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यानी कि आसियान का जो 33वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो सन 2018 ईस्वी के हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। अब हम देखते हैं कि आसियान के कार्य एवं भूमिका एवं उपलब्धियों के बारे में। देखिए, आसियान के कार्य, भूमिका एवं उपलब्धियों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आपका है पहला बिंदु राजनीतिक सुरक्षा एवं सहयोग। पहला क्या है? पहला बिंदु है राजनीतिक सुरक्षा। सुरक्षा एवं सहयोग, राजनीतिक सुरक्षा एवं सहयोग। पहला बिंदु आपका क्या है कि राजनीतिक सुरक्षा एवं सहयोग। राजनीतिक, देखिए, आसियान सुरक्षा समुदाय की कार्य योजना के उन उपायों को शामिल किया है जो आसियान के भीतर सदस्य देशों के बीच मित्रता और विश्वास का माहौल। देखिए, आसियान क्या करता है कि सुरक्षा और सहयोग के उन उपायों को, उन नीतियों को ये सम्मिलित किया है अपने में कि जो आसियान के भीतर जो देश इसके सदस्य हैं, जो राष्ट्र इसके सदस्य हैं, वो बातचीत और विचार विमर्श के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से विश्वास का माहौल पैदा करता है। यानी कि ये उसी बिंदुओं को महत्व देता है, उसी बिंदु सुरक्षा एवं सहयोग में उसी बिंदुओं को महत्व देता है, उन्हीं नीतियों को आसियान महत्व देता है जो नीतियां आपस में मित्रता बनाने में सहयोग उत्पन्न करें, जो आपस में मित्रता बनाने में सहयोग उत्पन्न, साथ ही गैर आसियान देशों के बीच सद्भावना का माहौल बनाएंगे। और दूसरी चीज कि जो आसियान देश नहीं है वो क्या करेंगे कि गैर आसियान देशों के साथ ये क्या करेंगे, सद्भावना का माहौल बनाएंगे। तो इसके सुरक्षा और सहयोग का जो दायित्व तो है, यह क्या करता है कि सुरक्षा और सहयोग में उन्हीं नीतियों को प्रभावित करता है या उन्हीं नीतियों को मानता है जो नीतियां आपस में, यानी कि जो आसियान के सदस्य देश हैं उनमें क्या करता है कि मित्रता बनाने में मदद करता है, मित्रता बनाने में आपस में बातचीत विचार विमर्श के माध्यम से मित्रता को बनाने में कायम रहता है, उन्हें बिंदुओं को ये महत्व देता है आसियान। दूसरी चीज, जो गैर आसियान राष्ट्र हैं उनके प्रति भी ये सद्विचार सद्भावना का माहौल भी पैदा करता है। और क्या कहता है कि मैत्री और सहयोग संधि आदि ने
सदस्य देशों के बीच सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने के लिए सहकारी ढांचे निर्माण के प्रयास किए गए हैं। अनेक सदस्य देशों में इस सुरक्षा और सहयोग को बनाए रखने के लिए किसको सुरक्षा और सहयोग को बनाए रखने के लिए क्या करता है कि एक सहकारी ढांचे का निर्माण एक करते हैं, यही इसका राजनीतिक सुरक्षा सहयोग है। तो हमने बताया कि राजनीतिक सुरक्षा सहयोग जो है इसका क्या है कि यह उन्हीं बिंदुओं को महत्व देता है कि जो गैर आसियान देशों के साथ सद्विचार और सद्भावना को उत्पन्न करते हैं और आसियान देशों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करते हैं या मित्रवत व्यवहार करते हैं, साथ ही साथ ये एक सहकारी ढांचा के रूप में इस आसियान को बनाए रखने में वह नीति जिस नीति को यह महत्व देता है वह नीति एक सहकारी ढांचा बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा बिंदु है आपका आर्थिक सहयोग के प्रयत्न। दूसरा बिंदु आपका क्या है? आर्थिक सहयोग प्रयत्न। दूसरा बिंदु आपका है कि आर्थिक सहयोग के प्रयत्न में देखिए आसियान जो है आर्थिक सहयोग के प्रयत्न में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह क्या करता है कि आर्थिक सहयोग में भी क्या करता है आसियान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन से? पहला बिंदु है इस संबंध में 1992 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन किया। इसमें क्या है कि आर्थिक सहयोग में 1992 ईस्वी में आर्थिक सहयोग का गठन किया। पहली चीज क्या किया इसने? आर्थिक सहयोग का गठन किया, यानी कि आर्थिक सहयोग के प्रयत्न में सन 1992 ईस्वी में आसियान ने आर्थिक सहयोग का गठन किया। दूसरा क्या किया कि आसियान ने चीन और दक्षिण कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार गठित करने संबंधी मसौदे पर हस्ताक्षर किया। कि इसने क्या किया कि आसियान ने क्या किया कि चीन और दक्षिण कोरिया, दूसरा बिंदु इसका क्या है? चीन व दक्षिण कोरिया इन दोनों के साथ क्या किया कि एक हस्ताक्षर किया। इसने हस्ताक्षर किस बात पर किया? हस्ताक्षर जो इसने किया वो क्या किया कि हस्ताक्षर इस बात पर इसने किया कि एक मुक्त व्यापार, किस बात के लिए? मुक्त व्यापार के लिए। यानी कि ये अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चीन व दक्षिण कोरिया के एक प्रपत्र पर मुक्त व्यापार के लिए इसने क्या किया? हस्ताक्षर किया। और ये आर्थिक मुक्त व्यापार सहयोग का 1992 ईस्वी में गठन किया। अगला, आसियान भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में विचार कर रहा है, यानी कि ये अन्य देशों के साथ भी क्या कर रहा है कि अन्य देशों के साथ भी ये क्या कर रहा है कि व्यापार मुक्त व्यापार बनाने में क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। अगला बिंदु हम देखते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमिका। तीसरा बिंदु आपका आता है सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमिका।
भूमिका, यानी कि सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में इस आसियान की क्या भूमिका रही। देखिए, आसियान का जो उद्देश्य है कि सामाजिक व सांस्कृतिक, यानी कि आसियान का जो उद्देश्य है सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से एक सजग समाज का निर्माण करना, यानी कि एक विकसित, यानी कि विकास कर रहा हो ऐसे समाज का निर्माण करना, इस सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि एक सजग समाज का क्या करना, निर्माण करना। दूसरा बिंदु है, आसियान ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय की कार्य योजना में क्या किया कि कुछ प्रधानता दिया। पहला, आर्थिक एकीकरण के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक समुदाय का निर्माण करना, यानी कि इसके आर्थिक, इस सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण के सामाजिक मूल्यांकन का क्या करना, एक समुदाय का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा इसका मानना था। अगला बिंदु यह कहता है कि पर्यावरणीय पोषणीयता एवं और ठोस पर्यावरण को मजबूत करना, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी उस राष्ट्र को विकसित करना। अगला हम देखते हैं आसियान और भारत। चौथा बिंदु के बारे में हम अध्ययन करेंगे आसियान। आसियान व भारत, आसियान व भारत के संबंध में इसकी क्या योजना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आसियान का जो है, आसियान का भारत से किस प्रकार संबंध है। देखिए, आसियान के वर्तमान आर्थिक शक्ति तथा इसके भारत व चीन के साथ बहुत व्यापारिक संबंध है ने आसियान ने अपने महत्व को रेखांकित किया है, यानी कि आसियान का भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध रहा। ठीक है, प्रारंभ में भारत ने आसियान के साथ संबंधों की तरफ ध्यान ना दिया, लेकिन अब भारत क्या करता है कि अपनी नीति में सुधार करते हुए आसियान के देशों के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। अगला बिंदु देखते हैं कि भारत व आसियान का जो क्या है कि सन 1992 ईस्वी में इसका क्षेत्रीय भागीदार सन 1995 ईस्वी में पूर्ण वार्ता का भागीदार देश बना। भारत जो है इसका क्षेत्रीय भागीदार सन 1992 ईस्वी में और सन 1995 ईस्वी में इसकी पूर्ण वार्ता का भागीदार बना। अगला बिंदु कह रहा है कि पहला भारत आसियान सम्मेलन सन 2002 ईस्वी में कंबोडिया की राजधानी नोम पनेह में हुआ, यानी कि कंबोडिया की राजधानी में पहला भारत और आसियान का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 2002 ईस्वी में कंबोडिया की राजधानी में हुआ था। कहां पर हुआ था, कंबोडिया की राजधानी में नोपनेह में हुआ था। तो इस तरह से है कि सन 2003 ईस्वी में भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, यानी कि व्यापक आर्थिक सहयोग के बारे में एक सहमत हुए दोनों राष्ट्र, यानी कि आसियान के राष्ट्र भी और भारत भी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आसियान के राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग प्रयत्न, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमिका, आसियान व भारत का संबंध के बारे में हमने अध्ययन किया।